हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कहानी में आगे पढ़ेंगे, और उसके पहले लेकिन एक ज़रूरी बात, देखिए आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, अगर इसको आप समझेंगे और अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है इस चीज़ से, मैंने कुछ सीखा है तब मैं आपको बता रही हूँ। और क्योंकि मैं आप लोगों के जैसी ही हूँ और आप लोगों के बीच में से ही निकल के आके यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने भी अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को अच्छी बातें बताती हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीखिए, कुछ प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बिल्कुल भी आपको किसी से हारने की, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या हुआ ना कि अभी आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जस्ट दिवाली बीती है, एक दो दिन हुआ, तो मैंने भी दिवाली अच्छे से मनाई आप लोगों के साथ, मैंने वीडियो तो शेयर किया ही था और मैं खुश भी थी, अच्छे से मनाए मैंने। तो मैं बैठी थी यहीं पे और मैंने देखा है ना कि सब लोग पटाखे जला रहे हैं, बम, बड़े बड़े जो बम थे उसको भी लोग जला रहे हैं, फोड़ रहे हैं, आवाज़ हो रही है। और हालांकि ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखा, पहली बार थोड़ी ना मैं देख रही हूँ, हमेशा मैं देखती हूँ, लेकिन फिलहाल इस बार दिमाग शांत था तो अच्छे अच्छे थॉट भी दिमाग में आते हैं, कुछ सीखने को चीज़ें मिलती हैं, मतलब इन सब चीज़ों से ही कुछ सीखने को मतलब मिलता है। तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया उसमें, तो देखा मैंने कि सब लोग पटाखे, एक छोटी सी चिंगारी, मतलब पटाखा तो एक सही सलामत था, है ना, बड़े खूबसूरत तरीके से भी था, और एक छोटी सी चिंगारी आती है या किसी ने लगाई और वो पटाखा अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, आवाज़ करता है, ब्लास्ट हो जाता है और उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं दूर दूर तक, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि उसका कौन सा हिस्सा कहाँ गया। और जो लोग खड़े होते हैं ना वहाँ पर, जिसने माचिस लगाया और जो लोग खड़े थे वो लोग तमाशा देखते हैं, हंसते हैं, मज़े लेते हैं, तो ये तो सब होता ही है। तो अब वो दूर दूर तक गया है ना, उसके चिथड़े पता नहीं चला कहीं पे, और वो सुलगता भी है ना, कुछ देर तक सुलगता है, फिर वो ठंडा पड़ जाता है, राख बन जाता है, आप देखे होंगे। और दूसरे दिन क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं, हम ही लोग हैं, हम ही लोग जैसे उसको झाड़ बटोर के क्या करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं उसके राख को, है ना, और कहने मतलब वो उसका नामो निशान ही खत्म हो गया उस पटाखे का, कि वो क्या था, मतलब कौन सा हिस्सा क्या था, उसका नामो निशान खत्म। लोग इंतजार में थे कि भाई जल्दी से राख बने, इसको झाड़ फूंक के यहाँ से हटाएं इसको, है ना। तो इसको ना, ये चीज़ देखने पे मुझे मतलब एक चीज़ समझ में आई कि ऐसे ही तो हम लोग का जीवन भी है, हम लोगों का जीवन क्या, मेरा जीवन, आप लोगों का भी जीवन ऐसा ही है, क्योंकि आप लोग मेरे पास कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों की तकलीफ और आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छे समझ सकती हूँ, और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का जीवन रहता है, एक अच्छा खासा जीवन है हम लोगों का रहता है, हम लोग के एक सपने होते हैं, कुछ खुशियाँ होती हैं, अरमान होते हैं, अचानक से कोई चिंगारी आती है या कोई लगाता है या अपने से ही आती है और हमारा जीवन अचानक से ऐसा बिखरता है, पटाखे की या बम की तरह ऐसा बिखरता है कि उसके चिथड़े चिथड़े जो दूर दूर तक चले जाते हैं, वो सारी खुशियाँ, वो सारे सपने, वो सारे अरमान इतने दूर दूर तक जाते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा कहाँ गया। हम लोग मनुष्य हैं तो थोड़ा सा हम लोग कोशिश भी करते हैं कि चलो फिर से मतलब किसी की बातों से प्रेरणा लेके या किसी भी तरह से हिम्मत भी करते हैं कि चलो फिर से खड़े होते हैं, फिर से उन जो बिखरे हुए हिस्से हैं उनको फिर से एक जगह लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि पता ही नहीं चलता है ना कि कहाँ पे गया कोई चीज़। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो जो चिंगारी उड़ती है ना, हमारे जीवन की मतलब जो बिखरते हैं चीज़ें, तो जो चिंगारी उसमें लगी रहती है, जो आग लगी रहती है उसमें, हमारे परिवार के लोग अगर खड़े हैं, हमारे अपने अगर वहाँ पे खड़े हैं, अगर उनके पास तक पहुँचती है तो उन्हें भी इफ़ेक्ट करती है। और आपको पता ही है कि अगर हम लोग दुखी होते हैं तो हमारे माँ बाप, खास करके हमारे बच्चे, हमारा परिवार सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखना है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, सारा चीज़ तो बिखर गया है। ऐसा सबके साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे अंदर वो जो चिंगारी जो उड़ी थी दूर दूर तक, जो टुकड़े टुकड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, जिसमें चिंगारी सुलग रही थी, उसको मैंने बुझने नहीं दिया, उस आग को मैंने बुझने नहीं दिया पटाखे की तरह, है ना, क्योंकि लोग वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो चिंगारी बुझे, कब ये राख बन जाए और हम इसको यहाँ से सफाई कर दें, इसका इसको ऐसा उठा के फेंकें कि इसका नामो निशान ही खत्म हो जाए, कि ये कौन थी, क्या है, या इसको इतना मतलब डिमोटिवेट कर दिया जाए कि ये दोबारा खड़ा होने की कोशिश ही ना करे। लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही हिम्मत किया, और बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं ही नहीं एक एग्जाम्पल हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जो लोग भी आज आपको सक्सेस दिखाई देते हैं वो सभी लोग यही कर ऐसा ही करते हैं, सबके जीवन में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, सबके जीवन में ऐसा होता है, ऐसी घटनाएं सबके जीवन में होती है, आप लोग बहुत बड़ा बना लेते हैं घबरा घबरा के, सोच सोच के, है ना। तो मैंने क्या किया, एक एक टुकड़े को मैंने खोजा और उसको इकट्ठा किया,
और आपने देखा होगा कि एक पजल एक गेम होता है जिसमें चित्र के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाया जाता है तो एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। तो मैंने भी वही किया, मैंने सारे टुकड़ों को जो इधर उधर मेरे अरमान थे, मेरे सपने थे, मेरी खुशियाँ थीं, स्ट्रगल, मेरी मतलब मेरी मेहनत, मतलब जो भी था मेरे जीवन में, जो कुछ भी था, मैंने सबको इकट्ठा किया, एक बहुत खूबसूरत सा तस्वीर बनाया जो आपके सामने है आज। तो और मैंने क्या किया, अच्छे से उसको सीक्वेंस से लगाया, क्योंकि अगर एक भी टुकड़ा इधर उधर होता है ना तो चित्र सही बनता नहीं है। लेकिन मैंने बड़े सही तरीके से लगाया कि कौन सा कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, उसके लिए थोड़ी टेक्निक का भी यूज़ किया। अगर आप सीधे सीधे तरीके से चलेंगे ना तो नहीं काम कर पाएंगे, आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। सीधे के साथ सीधा, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, बहुत सीधे बनेंगे ना। कहा जाता है ना कि जो सीधे हैं उनको क्या किया जाता है, ठोंक दिया जाता है, जो टेढ़े हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा सा आपको ये सब भी अपनाना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके मैंने अपने जीवन को एक अच्छा सा चित्र दे दिया। देखिए, आप हार कभी नहीं मान सकते हैं, आप कभी हार ही नहीं सकते हैं। जब तक आपकी तकलीफ दूसरों को न पता चले तब तक आप कभी नहीं हार सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में तकलीफ भी है तो उसको अपने तक सीमित रखिए। अगर आपके मन में कोई चिंगारी सुलग रही है, कोई आग सुलग रही है, तो अपने तक सीमित रखिए, एक सुंदर सी तस्वीर बनाइए, तब दुनिया के सामने लेके आइए उसको। पहले ही आपको घबरा के किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से इससे क्या सीख मिली, एक छोटी सी चीज़ से आप लोग भी ऐसे सीख सकते हैं। क्या सीख मिली कि अगर हमारा जीवन के चित्र चित्र उड़ गए हैं, दूर दूर तक बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमको दोबारा खड़े होके उसका एक एक टुकड़ा जाके खोजिए और उसको एक जगह खूब सुंदर सी तस्वीर बनाने की कोशिश करिए और एक एक जगह लगाने का प्रयास करिए। अभी आप कहेंगे बहुत कठिन है, तो कठिन तो है ही, मुझे भी बहुत मेहनत लगा था, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है। लेकिन उसके बाद का क्या होगा, आप बहुत सुंदर सी तस्वीर बनेगी। तो आप लोगों को भी ये करने की जरूरत, हारने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो तस्वीर बनती है ना, उसका सबसे पहला हिस्सा क्या होता है कि अगर आप फाइनेंशियल मजबूत हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पैसों से मजबूत हैं ना, अगर आपके पास एक तगड़ी नौकरी है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है 90% हिस्सा आपके जीवन का वहीं पर बन जाता है। वो सारे टुकड़े जो है 90% आपके अपने आप आके लग जाएंगे, 10% जो है वो रहता है, तो उसको हम लोग बाद में सही कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हौसला टूट चुका है, आप एकदम लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं हो सकता है, तो आप उसको फिर से संजोने की कोशिश करिए। जीवन बहुत मूल्यवान होता है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। और ये सबके साथ ये घटनाएं छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ इसको मत मानिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो जाता है, अरे यार हो गया, उसको लेके खींचिए मत, अरे अब क्या करें, हो गया, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, अब उसको सही कैसे करें, इस पर फोकस करिए। दिन रात सोचिए कि अब ये तो हो गया, अब इसको सही कैसे करें, कौन सा टेक्निक अपना, दिमाग को चलाइए ना अपने, जो फालतू दिमाग, रोने धोने से तो काम नहीं चलेगा। आप जितना रोएंगे दुनिया हंसेगी आपके ऊपर, ठीक है, आप हंसेंगे तो दुनिया क्या करेगी, आप समझते ही हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत रखिए, काम करिए। अगर ये हौसला अपने अंदर, अपनी चिंगारी जो है ना वो जला के नहीं रखेंगे, राख बन जाएंगे, तो दुनिया उठा के तुरंत फेंक देगी। तो इसीलिए चिंगारी जला के रखिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। अभी आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं। और आप लोगों की अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती रहूँगी, क्योंकि मैं मोटिवेट हो के आज यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं जानती हूँ ना कि इसकी कीमत क्या है। आप 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये जान लीजिए, तो 5-10 मिनट मोटिवेशन लीजिए और उसके साथ पढ़ाई भी करिए। अब ये नहीं कि बस वीडियो ही सुनते रहे, मोटिवेट होते रहे, करें कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए कहानी देखते हैं कि आगे क्या क्या हमको पढ़नी है। तो यहाँ देखिए, हम लोग प्रेमचंद युग से पढ़ेंगे और इसमें शुरू करते हैं प्रेमचंद के थोड़े से इंट्रोडक्शन से कि प्रेमचंद का नाम क्या था और शुरुआत में कौन कौन से कहानियाँ लिखे थे, तो इससे शुरू होता है, ठीक है। तो प्रेमचंद का मूल नाम यहाँ पर दिया है नवाब राय था, ठीक है। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, ठीक है। तो अब आप याद कैसे करेंगे, तो नवाब राय था किसका, प्रेमचंद का नाम, ठीक है। और नवाब लोग क्या करते हैं, इश्क करते हैं दुनिया से, ठीक है, और वतन से भी इश्क करते हैं, तो इश्क दुनिया हुब्बे वतन ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और कब ये प्रकाशित हुआ था, तो 1908 में जमाना, ठीक है ना, जमाना में पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, जमाना प्रेस, ठीक है ना, प्रेस में। अब देखिए, नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन था, ठीक है, सन 1908 में जमाना प्रेस में, ये भी कानपुर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, सोजे वतन में 5 कहानी संग्रह थे, क्योंकि ये कहानी संग्रह है, तो कहानी संग्रह में कई कहानियों का संग्रह रहता है, ये तो 5 कहानी थी सोजे वतन में, ठीक है। तो सोजे वतन, अब सोजे वतन में कौन कौन सी 5 कहानी थी, तो वही है कि इश्क दुनिया व हुब्बे वतन, ठीक है, और याद कैसे करें, और दूसरा कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह मेरा वतन है,
शेख मखमूर सिल ए मातम शोक का पुरस्कार, मतलब हिंदी में भी उसको बताया है। तो इसको हमको याद कैसे हम करेंगे, तो बहुत आसान है याद करने के लिए। देखिए सोजे वतन में 5 कहानियां हैं, तो कैसे याद करेंगे कि इश्क दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, ठीक है ना। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, साथ में ये पढ़ लीजिएगा। अरे इश्क दुनिया मतलब सांसारिक प्रेम और हुब्बे वतन मतलब देश प्रेम, मतलब ऐसे इसका हिंदी में, ठीक है। तो लेकिन आप बोलेंगे शॉर्ट में कि इश्क दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल रतन है क्योंकि यह मेरा वतन है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे बड़े आसान से याद हो जाएगा कि इश्क दुनिया व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल रतन है क्योंकि यह मेरा वतन है। तो रतन और वतन, ठीक है ना, याद करने में आसानी रहेगी। और शेख मखमूर जो है ना वो क्या करता है, सिले मातम मनाता है, ठीक है ना। हालांकि इसका मतलब अशोक का पुरस्कार, लेकिन सिले मातम बाद में आ रहा है तो मातम कोई पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो शेख मखमूर क्या करता है, सिले मातम मनाता है, ठीक। तो अब इसको याद कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार और, कि इश्क सोजे वतन में 5 कहानियां हैं, इश्क वतन व हुब्बे वतन दुनिया का सबसे अनमोल वतन है क्योंकि यह मेरा वतन है, और शेख मखमूर जो है वो क्या करता है, सिले मातम मनाता है, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन, ठीक है ना, सिडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है, ठीक है, मतलब उनमें अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि वो नाराज होकर क्या कर दिया, इनके ऊपर सिडिशन का केस लगा दिया, आरोप लगा दिया, और उनका मतलब 500 प्रतियों को जला दिया गया था, ऐसा मतलब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी है ना, दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और प्रेमचंद, अब यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में, ये सब थोड़े थोड़े अंतर हैं आपको याद करना पड़ेगा, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जो है इसको जो 1916 में था इसको प्रथम कहानी मानते हैं, ठीक है। और अंतिम कहानी किसको मानते हैं, कफन को मानते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब प्रेमचंद की कुछ कहानी संग्रह, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इधर का पहले इधर याद करेंगे, इधर का इधर याद करेंगे, ठीक है। और कई बार जब रिवीजन करेंगे तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारा पेज आपके मतलब आपके सामने वो पिक्चर आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, ठीक है। और हमेशा इमेज लेने की कोशिश करिए अपनी आँखों से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर का पहले हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे ये दो को छोड़ के और इधर का दो छोड़ के, ठीक, बाकी सब में प्रेम प्रेम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रेम 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 सब में आ रहा है। तो यही चीज़ थोड़ा सा हमको ध्यान देना है कि अब देखिए याद कैसे, ये दो को छोड़ दीजिए आप, सप्त सरोज और नवनिधि, ठीक ना, शुरुआत में सप्त सरोज नवनिधि और इधर लास्ट में सप्त सुमन और कफन, ये दो आप याद कर लीजिए इस तरह से। इमेजिन करिए कि दो लाइन है, है ना, कल्पना क्या करना है, इमेज मतलब बनाइए कि दो लाइन है, एक इधर का है ही, तो उधर शुरुआत का क्या है, सप्त सरोज और नौ निधि है, इसको आपको अलग से याद करना है, और इधर लास्ट में क्या है, सप्त सरोज है और यहाँ पर सप्त सुमन है, नौ निधि और यहाँ पर कफन है, ठीक ना। लास्ट में कफन इनका सबसे कहानी है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि अंतिम में कफन है, ठीक, क्योंकि भाई मरते हैं जब अंतिम यात्रा हम लोग की निकलती है सबकी, तो कफन ही तो मिलता है, तो इसलिए कफन की अंतिम है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब देखिए ये दो आप याद कर लेंगे, उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये दो तो आप याद कर लेंगे, सप्तसुर नवनिधि, उसके बाद देखिए प्रेम 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 छोड़ दीजिए, चार है ना इसके बाद। अब आप याद करिए पूर्णिमा जो है पच्चीसी को निकलता है, ठीक है, और प्रसून जो है द्वादशी को निकलता है, ठीक ना, पूर्णिमा पच्चीसी को निकलता है, प्रसून द्वादशी को निकलता है, सबके आगे प्रेम अपने आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी प्रेम आपको जोड़ना है चार में, ठीक, इधर चार में जोड़ा, इधर चार में जोड़ा, ऊपर थोड़ा सा आप ना इमेज बनाइएगा। अब इधर जो है प्रतिमा जो है प्रतिज्ञा करती है कब, चतुर्थी को, ठीक ना, प्रतिमा एक लड़की है, क्या करती है, प्रतिज्ञा करती है चतुर्थी को, और कुंज, ठीक है ना, कुंज में सप्त सुमन खिलता है, ठीक है, प्रेम कुंज भी आप बोल सकते हैं अगर आपको नहीं बैठ रहा है तो ऐसे, लेकिन मैं प्रेम प्रेम जोड़ देती थी तो मैं बोलती थी कि कुंज में, यानी कि कुंड में एक तरह से, लेकिन कुंज में बोलती थी, कुंज में सप्त सुमन खिलता है, और जो किस पर चढ़ाया जाता है, कफन पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि सब लोग मरते हैं तो नहीं कफन पर पुष्प चढ़ाया जाता है ना सुमन, तो सप्त सुमन चढ़ाया जाता है कहाँ पर, कफन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो सप्त सरोज नव निधि तो आप याद कर लिए, अब देखिए पूर्णिमा जो है पच्चीसी को निकलता है, प्रसून द्वादशी को निकलता है, आराम से याद हो गया आपको, और प्रतिमा प्रतिज्ञा करती है चतुर्थी को, और कुंज में क्या खिलता है, सप्त सुमन खिलता है, जो किस पे चढ़ाया जाता है, कफन में चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब याद करिए, देखिए ये दो जो आप याद किए हैं सप्त सरोज और नव निधि 1917 में है, देखिए थोड़ा मैं तेज बोलती हूँ, है ना, मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ाती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पसंद है, बहुत धीरे धीरे करेंगे, आप भी स्पीड थोड़ी बढ़ाइए अपनी, फटाफट फटाफट काम करिए, जो काम कर रहे हैं ना, ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे दिमाग में ये बातें वो बातें, कुछ नहीं, पढ़ाई करना, फटाफट याद करिए, कितने जल्दी अपने आपको याद करना है, ठीक। तो
ये दोनों 1917 में है, उसके बाद देखिए 1918, फिर 23, 24, 26, ठीक, 18 के बाद 23, फिर 24, फिर 26, डिजिट आपको जल्दी याद हो जाएगा, याद करके देखिएगा। फिर यहाँ देखिए 26 के बाद 29 दो बार आया है, 30 दो बार आया है, फिर 36 है, ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, थोड़ा सा ना कहीं कहीं कुछ और भी मिलता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, ठीक। अब देखिए, प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये पूछ सकता है कि मतलब किसका कथन है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, ये भी आप जानते ही हैं। अब देखिए, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ, तो अब इतना सारा है, ठीक है ना, देख लीजिए, इतना सारा है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इतना सारा है, 1 से लेकर 24 तक। अब 1 से लेकर 24 तक, वैसे सोचोगे तो बाप रे 24 कैसे याद होगा आपको, पहले ही मतलब सोच के घबराहट सी होती है कि 24 कैसे याद करेंगे एक ही बार में, लेकिन फटाक से याद हो जाएगा, अभी एक मिनट में याद हो जाएगा। अब इधर का इधर याद करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, इधर का इधर याद करने का मतलब क्या है, पहले आप कहानी एक बना लेंगे कि देखिए, नमक का दरोगा जो है ना, वो सज्जनता का दंड देता है। भाई दरोगा लोग सबको दंड देते हैं कि नहीं देते हैं, तो नमक का दरोगा सज्जनता का दंड देता है सबको। और ईश्वरी न्याय कहाँ होता है, दुर्गा का मंदिर में होता है, भाई दुर्गा का मंदिर में तो ईश्वरी न्याय होता है। तो याद कर लीजिए कि नमक का दरोगा जो है सज्जनता का दंड देता है, और ईश्वरी न्याय होता है दुर्गा का मंदिर में, और वहीं पर बूढ़ी काकी बैठी रहती है। कल एकदम इमेज बनाइए कहानी, और आपके दिमाग आपके सामने पिक्चर आनी चाहिए कि वहीं पर एक बूढ़ी काकी बैठी रहती है, कहाँ पर, मंदिर में, दुर्गा का मंदिर में एक बूढ़ी काकी बैठी रहती है, बहुत बूढ़ी है, ठीक है, शांति से, ठीक है, दुर्गा का मंदिर में एक बूढ़ी काकी बैठी रहती है शांति से। तो वहीं पर सब लोग सवा सिर गेहूं लेके कौन आता है, वापस शतरंज के खिलाड़ी आते हैं, नहीं जरूर दान उन करने के लिए आते हैं। तो कल्पना करिए, सवा सिर गेहूं लेके कोई शतरंज के खिलाड़ी आ रहे हैं, लड़के सब हैं, उसके बाद उनको मुक्ति मार्ग और मुक्ति धन मिल जाता है, भाई जो दान करेगा उसको मुक्ति मार्ग मुक्ति धन मिल ही जाएगा। और सौभाग्य के कोड़े दो सखियों को मिलता है, दो सखियां भी मंदिर में आई रहती हैं, तो उनके सौभाग्य के कोड़े मिल, सौभाग्य के कोड़े आप बोलेंगे, लेकिन कल्पना करके उनको सौभाग्य मिल जाता है। तो सौभाग्य के कोड़े किसको मिलता है, दो सखियों को मिलता है, ठीक। अब देखिए, आपको फटाक से याद हो गया इधर का, आप लोग झूठे में टेंशन लेते हैं। देखिए, नमक का दरोगा है जो सज्जनता का दंड देता है, और ईश्वरी न्याय कहाँ होता है, दुर्गा का मंदिर में होता है, और बूढ़ी काकी वहीं पर शांति से बैठी हुई है, और सवा सिर गेहूं लेकर शतरंज के खिलाड़ी आते हैं जिनको मुक्ति मार्ग और मुक्ति धन मिल जाता है, और सौभाग्य के कोड़े जो है वो दो सखियों को मिलता है, ठीक, इधर का याद हो गया। अब इधर का हम देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अलग योझा कोई व्यक्ति है, ठीक ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अलग योझा नाम है इसका, तो अलग योझा जो है वो पूस की रात में समर यात्रा करता है। अलग योझा एक व्यक्ति है जो पूस की रात में क्या करता है, समर यात्रा करता है, और पत्नी से पति जो है वो सदगति करते हुए दो बैलों की कथा सुनते हैं, ठीक है ना। अलग योझा जो है पूस की रात में समर यात्रा करता है, अब वहीं पे एक पत्नी पति थे, है ना, पत्नी से पति थे, मतलब दो लोग थे, पत्नी पति, ठीक है। तो पत्नी से पति जो लोग थे वो लोग सदगति करते हुए दो बैलों की कथा सुनते हैं, नहीं कथा सारो सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, बहुत सारी कथा सुनते हैं, तो सदगति करेंगे तभी तो पत्नी से पति जो होते हैं वो सदगति करते हुए दो बैलों की कथा सुनते हैं। और होली का उपहार मिलता है ठाकुर के कुआं पे, आप गाँव में अगर गए होंगे तो आप देखते होंगे कुआं होता था, इनार बोलते हैं उसको, और चबूतरा चारों तरफ उसका बना रहता है, और वहीं पर लोग बैठ के कभी कभी बातें भी बुजुर्ग लोग करते हैं, वहीं पर कुछ काम भी करते हैं बैठ के, है ना, मैं तो देखी हूँ, मैं अपने गाँव में, तो वहीं पर मैं ऐसा कल्पना करती थी कि होली का उपहार, समझिए होली का त्यौहार है और सबको उपहार दिया जा रहा है, तो वो कहाँ पर दिया जा रहा है, ठाकुर का कुआं, भाई ठाकुर बड़े लोग हैं, वही लोग ना देंगे किसी को उपहार, तो होली का उपहार ठाकुर के कुआं पर दिया जा रहा है। और ईदगाह में नशा कर लेते हैं कौन, बड़े भाई साहब कर लेते हैं, भाई ईदगाह में नशा कर लेते हैं बड़े भाई साहब, है ना। अब जब नशा कर लेंगे तो जानते ही हैं क्या होगा, मर जाएंगे तो कफन मिल जाएगा उनको, है ना, जो नशा करेगा तो क्या होगा, उसको कफन ही मिलेगा। तो इस तरह से देखिए याद हो गया हमको, ठीक ना, कि अलग योझा जो है कहाँ गया, हम अलग योझा जो है वो पूस की रात में समर यात्रा करता है, पत्नी से पति सदगति करते हुए दो बालों की कथा सुनते हैं, और होली का उपहार ठाकुर कुआं पर मतलब मिलता है, बट रहा है, और ईदगाह में नशा कर लेते हैं बड़े भाई साहब जिनको कफन नसीब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, याद तो हो गया, अगर आपको सन का भी, अगर आपको लगता है कि सन याद करना चाहिए, याद भी करना चाहिए। देखिए, जो मुख्य मुख्य जो लेखक हैं या कवि हैं, कोई भी है मुख्य, अब प्रेमचंद तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, तो आपको इनका याद होना चाहिए और इनके बारे में पता भी होना चाहिए, जितनी भी कहानियाँ हैं उसकी विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए, उसके पात्र पता होने चाहिए। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैसे आप पात्रों को पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पर 24 कहानियाँ या इंपॉर्टेंट है ना, ऊपर भी आप देखे होंगे, ठीक है, कहानी संग्रह भी देखे हैं और ये भी, तो आपको ये देखना है कि इसके बीच से नमक का दरोगा आपको कहानी जाननी चाहिए, सज्जनता का दंड जाननी चाहिए, सब दो बैलों की कथा तो बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं, होली सब कुछ आपको, ईद मतलब इसके सब इंपॉर्टेंट है,
जितना है इसमें सब के बारे में आपको छोटा छोटा क्लिप देखिए, यूट्यूब पर सर्च करिए कहानी और आपको आ जाएगा। 5 मिनट में फास्ट कर लीजिए ना, उसका स्पीड बढ़ा दीजिए और सुन लीजिए। बस एक बार आप जब सुन लेंगे तो दिमाग में चीज़ें आपके रहेंगी कि अच्छा हाँ, ये इस कहानी में पूछता है क्वेश्चन, है ना, उपन्यास से या इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछता है, तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये हो गया सर, आप याद कर सकते हैं। देखिए 13 के बाद 16 और 2 बार 17 आया है। जब आप ये या लाइन से याद किए रहेंगे तो इधर का भी आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 बार 13, 13, 16, 2 बार 17, फिर 20, 21। अब देखिए यहाँ पे 20, 21 तो आया है, 20, 21। अब देखिए 24, 24, 24, 24 यहाँ तक आया है, ठीक ना। सवा से गेहूँ से लेके सभा के कोड़े तक सब 24 में है। फिर 28 में 2 सखियाँ 28 की हो गई थी, जो 2 सखियाँ थी ना वो 28 साल की हो गई थी, तो 28 याद कर सकते हैं। अलग योजा 29 का हो गया था, पूछ की रात ये सब देखिए 30 तक है, सदगति 4 30 तक है। जब लाइन से याद करेंगे तो सन भी याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 31, 31 में है, 32 में ठाकुर का कुआँ है, ठीक ना। अब देखिए मैंने निशान लगा लगा के पढ़ा भी है, ठीक है। ईदगाह देखिए 33 में है, 34, 34 में ये दोनों है, फिर लास्ट वाला 36 में है, ठीक, कफन 1936 में। इस तरह थोड़ा टेक्निकल मतलब हो के आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका तो 3 ही है, आराम से याद हो जाएगा। सुखमा जीवन बुद्धू कांटा उसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमा जीवन कब हो गया, जब बुद्धू का जब क्या हो गया, बुद्धू का कांटा उनको दिखाई दिया, है ना। उनका सुखमा जीवन हो गया जब बुद्धू का कांटा उनको दिखाई दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा मतलब कांटा है ना, ऐसे याद कर सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन सुखमय तब हो गया, सुखमय जीवन हो गया जब उन्हें बुद्धू का कांटा दिखाई दिया, और क्योंकि उसने कहा था। तो सुखमय जीवन 11 में है, 14 में है, 15 में है। देखिए मेरा क्वेश्चन गलत भी हुआ था, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 3 ही है लेकिन मेरा तब भी गलत हुआ था, ये सन में कन्फ्यूजन हो गया था हमको। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। अब ये 3 ही है, 3 इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए, है ना, कि उसने कहा था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। तो अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है। अब कोई कुछ कह दिया है इसके विषय में तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कथन भी पूछ सकता है कि किसने कहा, ये कथन पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान से आपको याद भी होगा, वैसे चर्चित है ये, लिखा है कि घटना इनकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, ठीक है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। ये वाकई में कहानी आप देखेंगे ना, उसने कहा था, बहुत ही अच्छी है, है ना। और फ्लैश बैक देखिए जैसे, है ना, ये पूर्व दीप्ति फ्लैश बैक जैसे, मतलब छोटे से बच्चे से ऐसा लगता है, मतलब मैंने तो देखा है, पढ़ा है, और लास्ट में आपको पता चलता है कि उसने कहा था, मतलब एक आपको एक रहेगा उस, मतलब मन में उत्सुकता रहेगी क्या है क्या है, पहले आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, तो बड़ा अच्छा है ये। तो उसमें देखिए फिर इसमें बता रहे हैं कि कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लजता प्रगल्भता वेदना की विभत्स निवृत्ति नहीं हुई है, सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। मतलब सही बात है, बहुत अच्छी कहानी, आप इसको एक जरूर पढ़िएगा। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है, ध्यान दीजिएगा प्रथम कहानी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में कौन सा है बताइए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह चर्चित कहानियां कौन कौन सी, अब देखिए इनकी कहानी संग्रह पर देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह इनका छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब है, याद कैसे करेंगे। तो छाया नाम की कोई लड़की रहती है, वो प्रतिध्वनि करती है, प्रतिध्वनि मतलब चिल्लाना, समझिए प्रतिध्वनि, है ना। तो कल्पना हम करेंगे कि जैसे कोई चिल्लाता है तो ध्वनि प्रतिध्वनि नहीं होती है, तो छाया प्रतिध्वनि करती है। और आकाश क्योंकि क्यों करती है प्रतिध्वनि, क्योंकि आकाशदीप नाम का एक लड़का रहता है, आकाशदीप जो है वो आंधी के इंद्रजाल में फंस जाता है ना, इसलिए वो चिल्लाती है। तो छाया प्रतिध्वनि करती है क्योंकि आकाशदीप जो है वो आंधी के इंद्रजाल में फंस जाता है, ठीक, फंस गया रहता है। आगे देखिए चर्चित कहानियां इनकी, अब यहाँ पे देखते हैं तो जयशंकर प्रसाद, ये है किसका, जयशंकर प्रसाद, देखिए साथ साथ आपको लेखक का भी नाम पढ़ना पड़ेगा। तो जयशंकर प्रसाद का है चर्चित कहानियां ये सब, तो जयशंकर पहला नाम शंकर आ रहा है ना इसमें, और पहला ही पत्थर आ रहा है, ठीक है। तो भाई शंकर भगवान की पूजा हम पत्थर की तो करते हैं, पत्थर का आप देखते हैं ना शिवलिंग पत्थर के होते हैं, पत्थर की भी हम लोग पूजा करते हैं शंकर भगवान को समझ के। तो पहले शंकर से आप पत्थर पकड़ लीजिएगा तुरंत, जयशंकर प्रसाद पत्थर की पुकार, ठीक। तो अभी पहला ही जब आप पकड़ लेंगे तो उसके बाद का अगर आप कहानी बनाए तो आपको याद हो जाएगा। तो पत्थर की पुकार,
पत्थर की पुकार कौन करता है? उस पार का योगी करता है। ठीक है, पहले आप जयशंकर प्रसाद का पत्थर का योगी जब आप जहाँ एक पकड़े उसके आगे कहानी आपको अगर बनाए हैं, रिविजन किए हैं तो आपको याद आ जाएगा। तो पत्थर की पुकार कौन करता है? उस पार का योगी करता है। और चंदा, देवदासी और ममता तीन लड़कियाँ थी। चंदा, देवदासी और ममता ये खंडहर की लिपि लिखती हैं, मतलब खंडहर में कहीं जाती हैं वहीं पर लिपि लिखती हैं, कुछ लिखती हैं। तो चंदा, देवदासी और ममता खंडहर की लिपि लिखती हैं। घीसु जो है वो चूड़ी वाली विसाती के साथ सालवती के घर जाता है। ठीक ना, थोड़ा लंबा हो गया ये तो, लेकिन आप एक ही में जोड़ दीजिए सब। तो घीसु जो है, घीसु को याद नहीं रहता है, वो चूड़ी वाली विसाती, विसाती हम लोग बोलते हैं है ना, विसाती वाली आई है जो जो बेचते हैं उसने घूम घूम के सब श्रृंगार का सामान बेचती हैं। तो घीसु जो है चूड़ी वाली विसाती के साथ सालवती के घर जाता है। सालवती भी कोई औरत है, लड़की है। और वहाँ पर मधुआ और नूरी को क्या देता है? पुरस्कार देता है। मधुआ नूरी भी कोई लड़की है, मतलब मधुआ एक लड़का है, नूरी एक लड़की है, तो उसको पुरस्कार देते हैं। और वहीं पर गुंडा कौन रहता है? छोटा जादूगर। वहीं पर छोटा जादूगर बैठा रहता है, वो कौन रहता है? गुंडा। गुंडा कौन रहता है? छोटा जादूगर। ठीक, तो याद हो गया आपको कि पत्थर की पुकार कौन करता है? उस पार का योगी करता है। चंदा, देवदासी, ममता खंडहर की लिपि लिखती हैं। घीसु चूड़ी वाली विसाती के साथ सालवती के घर जाती है, और घीसु चूड़ी वाली विसाती के साथ सालवती घर जाता है। और क्यों नहीं, मधुआ, ठीक ना, मधुआ नूरी को क्या देता है? वहाँ पे पुरस्कार देता है। और गुंडा कौन रहता है? छोटा जादूगर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छाया, छाया जो है प्रसाद की प्रथम, मतलब जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। याद करिएगा, छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अंतिम कहानी कौन सी है? सालवती। अब देखिए, वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन में आप जब जाएंगे तो शरणागत हो जाएंगे। वृंदावन है ना, भगवान का स्थान है, तो वृंदावन में जब आप जाएंगे तो आप शरणागत हो जाएंगे। और आपको कलाकार का दंड भी मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पर जाने पे एक खासियत है कि कलाकार का दंड मिलता है, कल्पना करेंगे झूठ मूठ का। तो वृंदावन लाल वर्मा, तो वृंदावन में जब आप जाएंगे तो आपको शरणागत वहाँ पर हो जाएंगे, मतलब शरणागत हो जाएंगे भगवान को, भगवान की शरण में चले जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, और वहाँ पर आपको कलाकार का दंड भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। ठीक है, इनको ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। अब देखिए, याद कर, ये तो आप पहले पढ़े हैं, राधिका रमण प्रसाद, राधिका रमण का पहले ही हम लोग कल पढ़े थे। तो राधिका कानों में कंगना, राधिका से राधा जी को हम सोच लेंगे, तो कानों में कंगना, जैसे राधा जी कृष्ण भगवान के साथ हंसी टिटोली करती थी, तो समझिए कि खिलवाड़ में वो अपने कंगना को कानों में पहन लेती हैं। ठीक है, तो कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधिका, ठीक ना। अब देखिए, ये इंदु में प्रकाशित हुई थी। अब कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और लेकिन अब राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये तो मतलब जो इनकी प्रथम कहानी है ना, कानों में कंगना प्रथम कहानी है, इसलिए इसको डिटेल में दिया है। अब आगे भी देखिए इनकी और कहानियां, देखिए अब इनके प्रथम और कार कहानी संग्रह, तो कुसुमांजलि, अब राधिका से ही कुसुमांजलि है, राधिका जो है ना कुसुम की तरह है, कुसुमांजलि है। ठीक है, और वो गांधी टोपी पहन के सावनी समा में घूमती हैं, गांधी टोपी। अब कहें कि राधिका का हम कल्पना कर रहे हैं कि वो हंसी चिटोली कर रही है कृष्ण भगवान के साथ, तो कल्पना कर लीजिए ना कि राधिका जो है कानों में एक तो कंगना पहन लेती है, भाई प्रथम कहानी संग्रह है इनका 1913 में, हिंदू में प्रकाशित हुआ था, ये तो आपको याद ही हो गया। अब राधिका जो है कुसुमांजलि है, कुसुम की तरह है, फूल की तरह है, कुसुमांजलि है, और गांधी टोपी पहन के हंसाने के लिए गांधी टोपी पहन के वो सावनी समा में क्या करती हैं? घूमती हैं। ठीक है, तो 1938 में गांधी टोपी और 1938 सावनी समा, दोनों 38 में है। ठीक है, अब देखिए राधिका रमण प्रसाद सिंह एक की अन्य मतलब कहानी कौन सी? बिजली है, तो कल पढ़े ही थे। तो राधिका बिजली के समान तो थी है ना, तेज थी बिजली के समान, तो ये तो बस राधिका से जोड़ लीजिए, राधिका रमण प्रसाद सिंह बोलते रहिए, कई बार याद हो जाएगा। कहीं कहीं वर्मा होता है, कहीं शर्मा होता है, कहीं सिंह होता है, कहीं मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ हो। देखिए नाम कई लेखक का एक तरह है, छोटे छोटे उनके टाइटल से भी हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है, और ऐसे ही कन्फ्यूज करने वाला पूछता भी है। अब देखिए, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री 1914 से ही कहानी मतलब लिखना प्रारंभ कर दिए थे, शुक्ल के अनुसार। ठीक है, और तो चतुर्सेन शास्त्री, तो इनका क्या कैसे याद करेंगे हम? तो चतुर्सेन शास्त्री, तो चतुर्सेन शास्त्री जो है ना, चतुर्सेन मतलब चारों ओर से, मतलब याद करिए, कल्पना करिए चारों ओर से। लेकिन चतुर्सेन जो थे ना, वो क्या कर रहे थे? चारों ओर से बहुत परेशान थे, और वो रजकण और अक्षत लेके बाहर भीतर कर रहे थे। चतुर्सेन शास्त्री चारों ओर से बहुत परेशान थे, और वो रजकण और अक्षत हाथ में लेके वो क्या करते? बाहर भीतर कर रहे थे। जब कोई परेशान होता है तो ना, घर के बाहर भीतर करता है, तो चतुर्सेन शास्त्री चारों ओर से परेशान हो गए थे, तो वो रजकण और अक्षत लेके घर बाहर भीतर कर रहे थे। और वो कह रहे थे
कि दुखवा में कासे कहूँ मोरे सजनी, दुखवा में कासो कहूँ मोरे सजनी, ठीक है ये कह रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि सोया हुआ शहर है, मतलब सभी लोग सोए हुए हैं, कोई किसी का सुनता तो है नहीं, धरती आसमान एक कर दिए हैं तब भी हमारी कहानी खत्म हो गई है ना, वो मतलब दुखा रोना है, कह रहे हैं कि धरती आसमान एक कर दिए तब भी कहानी खत्म हो गई और स्त्रियों का, और ऐसा लग रहा है कि स्त्रियों का ओझ है ना, स्त्रियों का जो ओझ है, स्त्रियों का ओझ वो क्या करेगा, सिंहगढ़ विजय कर लेगा, स्त्रियों का ओझ मतलब स्त्रियों का ओझ इतना ज्यादा है कि जैसे लग रहा है कि सिंहगढ़ विजय कर लेगा। तो ये चतुर्थ शास्त्री कह रहे हैं। आगे देखिए चतुर्थ शास्त्री की चर्चित कहानियां और कौन कौन से हैं, तो ये तो आप ऐसे याद कर लेंगे ठीक है, कहानी संग्रह था ये, ठीक ना, ये सब कहानी संग्रह था इनका, ये इतना ये सब ठीक ना, ये सब अब इनकी कहानियां, चर्चित कहानियां। तो अम्बपालिक जो है वो प्रबुद्ध है, अम्बपालिक कल्पना करिए कोई लड़की है, अम्बपाली अम्बपाली सुने है ना, अम्बपाली, तो अम्बपालिक है ना, कल्पना करिए, बोलिए वैसे अम्बपालिक बोलिए, लेकिन कल्पना कर लीजिए कि एक लड़की है, वो कैसी है, प्रबुद्ध है, मतलब बड़ी तेज है, दिमाग बड़ी बुद्धिमान है ना, कल्पना ही करिए। तो अम्बपालिक प्रबुद्ध है और भिक्षु राज जो है वो बावर्चिन बन जाता है, मतलब कोई भिक्षु रहता है, भिक्षा लेने वाला वो भिखारी, वो भिक्षुराज जो है वो बावर्चिन बन जाता है, बावर्चिन मतलब खाना वाना बनाने वाला, आप कल्पना कर सकते हैं। तो अम्बपालिक बड़ी प्रबुद्ध है और जो भिक्षुराज है वो बावर्चिन बन जाते हैं, और क्या होता है हल्दी घाटी में बाण वधु, ठीक है, भिक्षुराज जो है बावर्चिन बन जाते हैं, और इसलिए क्या होता है और क्या करते हैं हल्दी घाटी में बाण वधु को, इसलिए वो देख पाते हैं, ठीक है ना, भिक्षुराज जो है बावर्चिन बन जाते हैं, मतलब भेष बदल के, आप देखे होंगे कि राजा महाराजा के सब लोग समय में भेष बदल के जाते थे, तो भिक्षुराज जो है वो बावर्चिन बन जाते हैं और इसलिए वो हल्दी घाटी में जाके किसको देखते हैं, बाण वधु को देखते हैं, बाण वधु, वधु यहाँ पर कल्पना कर लीजिए बहू मतलब, ठीक है ना, वधु बाण वधु। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चतुर्थ शास्त्री की चर्चित कहानियां, अम्बपालिक जो है वो क्या है, प्रबुद्ध है, और भिक्षुराज बावर्चिन बन जाते हैं और हल्दी घाटी में जाके वो बाण वधु को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे चतुर्सेन शास्त्री कृत दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार, ठीक ना, बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सरिसमा बेगम का रूपांतरण माना गया है ना, क्या रूपांतरण माना गया है, यहाँ पे आ जा रहा है ठीक है, क्या रूपांतरण माना गया है, ठीक है, रूपांतर माना गया है, ठीक है। तो बस इतना हम लोग आज पढ़े, इतना कम से कम आपको फटाक से याद कर लीजिए और जितनी भी कहानियाँ हैं उसके विषय में ये सब काम करते जाइए, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके एग्ज़ाम की डेट वेट का क्या है, क्या न्यूज़ चल रही है ना, और ज़्यादा चैनल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक दो जो मतलब विश्वसनीय हैं यूट्यूब पर बताते हैं लोग उनका देखिए, और आप जो है वहाँ से जानिए कि कब एग्ज़ाम का क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई तो तेज कर ही दीजिए। देखिए एग्ज़ाम तक मैं कह रही हूँ ना कि मैंने सुना था कि लोग 75 बार मैंने नोट्स पढ़ा था, एक थी बता रही थी 75 बार मैंने नोट्स पढ़ा था, मैंने इतनी बार 100 पता नहीं कितनी बार मैंने किताब पढ़ा था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ऐसा भी लोग करते हैं क्या। बस यही फंडा अपनाइए कि कितनी बार आप रिवीजन करते हैं पूरा सिलेबस, ही मत सोचिए कि एग्ज़ाम तक जाते जाते एक बार सिलेबस मेरा ख़त्म हो जाए, एक बार से तो कुछ होगा ही नहीं, मान के चलिए कुछ नहीं होने वाला है, वो ना के बराबर है, आप कितनी बार ख़त्म करते हैं कल्पना, मान के चलिए, मान लीजिए कि एग्ज़ाम तक आते आते मुझे 50 बार ख़त्म करना है अपने किताब को, अपने नोट्स को, सब दोहराना है अच्छे से मन से, यानी कि बस ऐसे ऊपर ऊपर सोच, दिमाग में कुछ और चल रहा है ऊपर ऊपर, तो कुछ मतलब नहीं होगा, हमेशा ट्रिक से, जो आप ट्रिक दिमाग में बना रहे हैं और जो आप कल्पना कर रहे हैं कहानी बना, उसी से बार बार, ये नहीं कि बदल बदल के, अब की बार इससे पढ़ा तो अगली बार कुछ और ट्रिक बना लिए, भूल गए हम, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो जान लीजिए कि फिर भूलेगा चीज़, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।